हूं शिखा तिवारी और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज़। यूपी में चल रही कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर 26 फरवरी से 1 मार्च तक ब्रेक लगने वाला है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी इस बीच विदेश में रहेंगे। सूचना यह है कि राहुल को लंदन के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने जाना है। भारत जोड़ो न्याय यात्रा का 39वां दिन आज दोपहर 2 बजे कानपुर में समाप्त होगा। 22 और 23 फरवरी को यात्रा पर ब्रेक लगा रहेगा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा 24 फरवरी की सुबह मुरादाबाद से फिर शुरू होगी। उसके बाद संभल, अलीगढ़, हथरस और आगरा जिलों में कवर करते हुए यात्रा राजस्थान के धौलपुर में रुकेगी। 26 फरवरी से 1 मार्च के बीच वहां पर ब्रेक लगा रहेगा ताकि राहुल गांधी 27 और 28 फरवरी को इंग्लैंड के कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय, ये वही विश्वविद्यालय है जहां से उनकी पढ़ाई हुई थी, वहां 2 विषय पर लेक्चर देने अपने 1 साल पहले के वादे को पूरा कर सकेंगे। उन्हें नई दिल्ली में भी होने वाली अन्य महत्वपूर्ण बैठकों में शामिल होने का मौका मिल पाए, इसलिए वो 2 मार्च को दोपहर 2 बजे धौलपुर में एक बार फिर से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को शुरू करेंगे। इसके बाद से ये मुरैना, ग्वालियर, शिवपुरी, गुना, शाजापुर और उज्जैन सहित मध्य प्रदेश के अन्य जिलों को कवर करेगी। तो अभी यही बड़ी खबर है कि राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर ब्रेक लगा के लंदन जाने वाले हैं और लंदन में अपनी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये वही यूनिवर्सिटी है जहां से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी करी थी, वहां पर वो लेक्चर देंगे। जी हां, इस पर आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए एसपीएन 9।